का। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय की जो 2021-22 के जो एग्ज़ाम हुए हैं, एनुअल एग्ज़ाम हुए हैं, बी ए बी एस सी बी कॉम के एग्ज़ाम हो चुके हैं, इनकी जो कापियां हैं वो सारी चेक हो रही हैं। इसको लेकर के एक बहुत बड़ी ही अपडेट निकल कर यहाँ पर आई है कि ये सारी चीज़ें कब तक हो जाएंगी और रिज़ल्ट क्या जो खुलासा होने वाला है उसके बारे में, जो बच्चों के क्वेश्चन हैं जो पूछे जा रहे हैं उनके बारे में। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल वाइवा को लेकर के, जो कि बहुत ही स्टूडेंट्स को बार बार पूछते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय की ओर से जो एक नोटिस जारी किया गया है और उसमें ये बताया गया कि जो आपकी कापियाँ चेक हो रही हैं उनके निर्देश में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग नोटिस क्या है। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अब जो नए स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि यहां से मैं आपको सारी अपडेट्स देता रहता हूं। तो चलिए बात कर लेते हैं आपकी नोटिस क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर आवश्यक सूचना नोटिस जारी हुई है प्रयागराज प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज यूपी। तो इसको लेकर के यहाँ पर अपडेट्स जो जारी हुई है बात कर लेते हैं हम लोग। और ये अपडेट जो है आप लोग यहाँ देख सकते हैं 29 जून को ये जारी की गई है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 29 जून को ये नोटिस जारी हुई है। इसमें क्या है, वार्षिक परीक्षा 2021-22 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में संलग्न एवं विश्वविद्यालय के में मूल्यांकन कार्य हेतु इच्छुक ऐसे सभी स्ववित्त पोषित महाविद्यालय के शिक्षकों को सूचित किया जाता है कि वे अद्यतन शिक्षक अनुमोदन पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र, जो कि संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव द्वारा प्रतिहस्तरित हो, मूल्यांकन कार्य हेतु अवश्य प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में उन्हें उत्तर पुस्तिकाओं का आवंटन नहीं किया जाएगा। तो ये तो सूचना हो गई कि आपकी जो कापियां हैं वो लगातार चेक हो रही हैं और यहाँ पर शिक्षकों को नोटिस जारी किया जा रहा है। अब दूसरी यहाँ पर जो सूचना हम लोग बात करने वाले हैं कि रिजल्ट के बारे में, तो अभी देखिए रिजल्ट की कोई यहाँ पर अपडेट्स नहीं है, कोई भी नोटिस अभी यहाँ कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है। आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है। जो बच्चे मैसेज करके रिजल्ट के बारे में पूछते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग क्या करें, बिल्कुल भी परेशान मत हो। जैसे ही रिजल्ट का कोई नोटिस आता है, अपडेट आती है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। ये आपके दो क्वेश्चन के डाउट यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं, पहला तो कापियाँ चेक होने को लेकर के, दूसरा रिजल्ट, और तीसरा जो आप जो स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के हैं वो प्रैक्टिकल के लिए परेशान हो रहे हैं, जो उनके प्रैक्टिकल उनके हो रहे हैं, या कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हो गए हैं, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं अभी नहीं होंगे, कुछ कह रहे हैं कि मेरे कॉलेज में हो गए हैं, कुछ कह रहे हैं कि हमारे कॉलेज वाले तो प्रैक्टिकल करवाने के लिए पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के देखो भाई, मैं सभी कॉलेजों में क्या हो रहा है उसके बारे में मुझे नहीं पता है, क्योंकि इतने ढेर सारे चार डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज हैं और सब कॉलेज की अपडेट रखना बहुत ही बड़ी बात है, जो कि मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक पता है आपको 4 डिस्ट्रिक्ट जिसमें कि प्रयागराज, कौसाम्बी आपका और फतेहपुर, प्रयागराज, कौसाम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़, ये 4 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर में आते हैं। और इतने सारे कॉलेजेस हैं कि आपको मैं अभी यहाँ पर अंदाज़ा क्या बताऊँ, लगभग 450 से भी ज़्यादा कॉलेज हैं। तो आपको बता दें कि किसी किसी कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर के, मैं आपको बताता हूँ कि जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं मुझसे, उनसे पूछने के बाद पता चला कि कुछ कॉलेजों में जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके प्रैक्टिकल करवा लिए गए हैं, फाइल भी बनवा ली गई है, कॉलेज में उसको सबमिट भी कर लिया गया है, लेकिन बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जिसमें ये सारे प्रक्रियाएँ अभी नहीं करवाई गई हैं। इसी तरह से सेकेंड ईयर को लेकर के बच्चे जो परेशान हैं उनके लिए भी मुझसे कुछ बच्चे भी ये भी बता रहे हैं कि उनके कॉलेज में जो है फाइल भी बनवा दी गई है, ठीक है, उनका फाइल का सबमिशन भी करवा लिया गया है, ठीक है, फाइल बनवा दी गई, सबमिशन करवा दिया गया और कॉलेज में ही आंतरिक वाइवा वगैरह जो है ये सारी चीज़ें करवा ली। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे मैसेज करते हैं कि सर हमारे कॉलेज में अभी ये सब कुछ नहीं करवाया गया, वो लोग अब कह रहे हैं करवाने के लिए, पता नहीं ये क्या चलता है इधर, कुछ समझ में नहीं आता इन लोगों का, ठीक है। थर्ड ईयर की भी यही कंडीशन है। तो इसके लिए भी मेन कैंपस की ओर से ऑफिशियल वेबसाइट अभी कोई नहीं है कि आपका प्रैक्टिकल वाइवा क्या है, और जो भी आपका होता है प्रैक्टिकल वाइवा को लेकर के मैं आपको नोटिस दूंगा। इसके पहले एक नोटिस जारी हुआ था बोर्ड की ओर से, मेन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की ओर से, जिसमें प्रैक्टिकल और वाइवा के बारे में बताया गया था।
उसमें ये नहीं बताया गया कि आपका प्रैक्टिकल वाइवा होगा कि नहीं होगा, उसमें ये बताया गया है कि कॉलेज की ओर से, जो भी कॉलेज की ओर से ये अंक आपके जो प्रैक्टिकल वाइवा के हैं इसको अपलोड करने के पक्ष में ये नोटिस जारी हुआ था, ठीक है, कि जो कॉलेज अपलोड करेगा वही, जैसे कि मान लीजिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के प्रैक्टिकल हुए हैं, उनके जो मार्क्स दिए गए हैं आपके कॉलेज में वो मेन ऑफिशियल वेबसाइट यानी मेन कैंपस की ओर क्या करेगा, अपलोड करेगा, वही मार्क्स आपके मार्कशीट में चढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर में मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, मान लीजिए ये आपका मेन कैंपस है, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी मेन कैंपस परीक्षा भवन है, ये मेन कैंपस आपका, ठीक है, और ये आपका एक कॉलेज है, कोई भी कॉलेज ले लीजिए, मान लेते हैं ये आपका एक कॉलेज है और आप इस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आपका इस कॉलेज में एडमिशन है और प्रैक्टिकल हुआ है तो ये लोग जो भी डाटा इसको भेजेंगे, ठीक है, ये लोग जो इस ये मेन कैंपस को डाटा भेजेंगे, यही डाटा क्या होगा, जैसे कि आपका जो प्रैक्टिकल हुआ है, डाटा मीन्स जो भी प्रैक्टिकल में आपके मार्क्स यहाँ से चढ़ा के फाइल में भेजे गए होंगे, जितने मार्क्स दिए गए होंगे, सारे मार्क्स टोटल करके कंडक्ट किए गए होंगे, वो सारी चीज़ें इसको भेजेंगे, तो अब ये क्या करेंगे, आपकी जो मार्कशीट आएगी उसमें उसको अपलोड करेंगे और वही आपकी मार्कशीट में मेन होगा, वही चढ़ाया जाएगा। तो इस पर नोटिस जारी हुआ था और मैंने उस वीडियो उसका जिस दिन जारी हुआ था उसके दूसरे दिन ही आपको बता दिया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूंगा इस वीडियो के, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी लोगों का जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी उम्मीद के साथ आपका जो आंसर है उसकी उसका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा।